गुड इवनिंग मेनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट ग्रेट सक्सेस सो यू वन हंड्रेड सिक्स मार्क्स विच इज गुड एंड इट इज प्रेज वर्दी एंड आंटी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको आपको भी आंटी जी मुझे लगता है ये जो बच्चों का स्कोर आता है बच्चों की सक्सेस होती है ना उसमें बच्चों का कम और माँ बाप का ज्यादा योगदान होता है बस तो, आपका, आपका आशीर्वाद हम हमेशा साथ में है बहुत -बहुत मुबारक अंकल भी हैं अंकल तो है, अभी नहीं है चलो और पीयूष बताइए कैसी रही आपकी जर्नी कैसे मतलब कैसे हाउ द पेपर ओवरऑल बातें ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन इन द बिगनिंग हाउ वाज योर जर्नी सर मैंने स्टार्टिंग से डेम्स को ले रखा था कौन सी यूनिवर्सिटी से है आप पीयूष मैं सर पम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया ओ ग्रेट वंडरफुल वंडरफुल तो मैंने वो फिफ्टी ईयर से ही डैम्स के जो ग्रे मैटर यूज होते हैं ग्रेट हाँ तो मैंने उसमें सक्सेस पाया था तो मुझे सब्सक्रिप्शन मिली थी फ्री फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया जर्नी अपना फिर जब डिग्री कंप्लीट हुआ तो इधर आके फिर मैं डैम्स ज्वाइन किया मैंने बस एक ही मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं की इवन मेरी तबियत भी खराब रही तो मैंने क्लासेस मिस नहीं की और लास्ट के मंथ में जो डीएफएक्स रहा वो गोल्ड है गोल्ड डायमंड जुबली जो भी बोलो आप सर कम है वो मैं लास्ट के दस दिनों में मैंने बस वही डीएफएक्स को बार बार रिवाइज किया बार बार रिवाइज किया और फिर मैं बोलूँ तो दीप्ति मैम ने आपने फिर सुमेर सर ने हमेशा इंस्पायर किया है कि पढ़ते रहो रिविजन करते रहो इवन सारे फैकल्टी ने बोला कि रिवीजन रिवीजन करते रहो हो जाएगा हो जाएगा सोचना नहीं है कि नहीं होगा हो जाएगा बस मैं अपना काम करता गया और हो गया एक पीयूष आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं करी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस हैं इट्स ये प्योर गोल्ड है यही चीज अगर हम प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोई ऐप से करेंगे तो मुझे लगता है हम उतना टीचर के साथ और सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे Connecting नहीं हो सर है सर वी टेंट टू प्रो कैस्टिनेट है ना एग्जाम तो, में कई बातें क्लास में जो सर बोलते थे वही बातें सुनाई भी देती थी जैसे आपने ग्लोकोमा ग्लोकोमा के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था ड्रग ड्रग पढ़ो लेटेनोप्रोस्ट और सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में जो मैंने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया पहला क्वेश्चन लेटेनोप्रोस्ट मैं खुश गया मैं मतलब वाह उसके बाद फिर सुमेष हमेशा बोलते थे रेडियोलॉजी के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हेमरेज को देख के जाना सारे और सेकेंड क्वेश्चन मेरा वही मैं बोला वाह और क्या चाहिए तो वैसे ही मैंने स्टार्टिंग में तो फर्स्ट पेपर देके जब मैं निकला तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इसमें तो 90 प्लस स्कोर है अगले में तो देखते अगले में हो जाएगा बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम so, so, so okay, so, हम हमेशा एक चीज़ पे पे और फोकस करते हैं, हैं हैं। जो कि हम बोलते हैं कि बोलते डेली बेसिस करने हैं. तो आप हमारे लिसनर से थोड़ा सा शेयर करेंगे आप एमसीक्यूज की आपकी क्या अप्रोच रही थी uh, सर मैंने स्टार्टिंग से डांस के फैकल्टी ने बताया मैं बताया आपने फिर धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाओ और एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे आते आते 25 तीस डेली एम करो और जो गलतियां हो उसको रिकॉर्ड अपने डायरी में लिखो और जब टेस्ट हो देने जाओ तो उसको देखो कि वो मिस्टेक बार बार नहीं हो डैम्स ग्रुप में भी जुड़ा रहा वहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिला फिर जो हमारे डैम्स के ऐप में जो क्वेश्चन थे मैंने वो लगभग सारे ही कर लिए थे और जो गलत होते तो मैंने उसको मार्क कर रखा था कि ये एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं करना ये कुछ भी हो जाए तो वो सारा हेल्प किया और कई क्वेश्चन तो आ, मैंने कुछ डीवीटी के वीडियोस थे मैंने वो भी देखे तो डीवीटी ने भी थोड़ा कुछ हेल्प किया तो ओवरऑल जर्नी डैम्स के साथ बहुत ही अच्छा लगा और मैं अब सोचता हूँ अब तो जल्दी पीजी के लिए क्लासेस ज्वाइन करूँ तो अगर मैं इस सबको राउंड ऑफ करूं तो इससे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है तो वो याद आता कि ने ये बोला था तो ये होगा हाँ क्लास को हाँ। नहीं मिस करेंगे और एमसीक्यूज भी हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे ऐसा नहीं करेंगे आज दस कर लिए कल छोड़ दिए फिर कर लिए तो मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूँ कि या तो आप एमसीक्यू सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कीजिए या टॉपिक वाइज एमसीक्यू कीजिए जैसे आपने ग्लोकोमा बोला तो ग्लोकोमा का चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तो उसके साथ ही ग्लोकोमा का जो क्वेश्चन बैंक है वो हमने कर लिया वो थोड़ा एक इजी और अप्रोचेबल तरीका हो जाता है अब आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आप जो टेस्ट देते थे टेस्ट कैसे देते थे क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रैंड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेस्ट टीच यू हाउ टू मार्क द राइट आंसर आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस तो हाँ। वो आपकी क्या अप्रोच थी टेस्ट की तरफ सर so, मैंने पहले डैम सीबीटी जो पहला टेस्ट दिया था हाँ। आ, तो मेरे स्कोर थे 193 193 स्कोर थे तो मैं मैं जब टेस्ट देके निकला तो मैंने मार्क किया कि ये हाँ ये गलत हो रहा ये, ये है ये ये टॉपिक मेरा कमजोर है ये टॉपिक वीक है मैंने उसको लिखा और फिर मैं अगला जो सीबीटी हुआ तो मैं उसी टॉपिक को पढ़ के गया पूरा नहीं पढ़ा मैं बस उसी टॉपिक को पढ़ के गया और मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है अगले टेस्ट में अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ऐसे करते जब मैं टेस्ट दिया मिस्टेक होता था वो लिखता था ऐसे धीरे 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 करके मैं चार टेस्ट दिया डैम्स के और चारों में ही मैं वन नाइन्टी टू हंड्रेड तो क्रॉस नहीं हो पाया था लेकिन वन नाइन्टी थ्री और वन एट्टी के बीच में हमेशा स्कोर रहा था तो वहां से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि चलो इसमें वन नाइन्टी थ्री वो हंड्रेड एट्टी आ रहे हैं तो ये भी हो जाएगा तो सीबीटी जब आपने दिया और उसके बाद जब आप रियल एग्जाम देने गए तो आपको कुछ चेंज लगा कि कि आपको लगा कि हाँ, ये तो सीबीटी वाला ही एनवायरमेंट मेरे अराउंड बनाए तो ऑलरेडी मेरी कंडीशनिंग मेरी हो चुकी है सर मैंने सीबीटी मैं एग्जाम को सीबीटी की तरह ही दे रहा था मैं बिल्कुल ही नॉर्मल था मैं बोला ठीक है जैसे सीबीटी दिया था वैसे ही दूंगा मैं पूरी तरह फोकस था ना अगल ना बाजू कोई कुछ बोल रहा कोई मैं सुन मैं सीधा कंप्यूटर फोकस था सीबीटी तरह एग्जाम दिया दोनों ही पेपर सीधा निकला मैं ये अपने को बताना चाहता हूँ सीबीटी हमारा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को कंडीशन करने के लिए कंडक्ट करते हैं सो so दैट जो स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम जो एंजाइटी होती है रियल एग्जाम में बैठने की वो एंजाइटी को हम किल कर सकें अगर सीबीटी दिया होगा एक सीबीटी दिया फिर दूसरा सीबीटी दिया तो तब इतनी माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि जब आप रियल एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको ऐसे लगता है इट इज जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और हमारा ये मानना है कि अगर हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर देते हैं ये छोटी सी टेक्निक से तो कहीं ना कहीं हमें टेन टू फिफ्टीन ऑफ द जो स्कोर है वो हमारी इंप्रूवमेंट दिखती है तो आई सीबीटीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल है ना है, शीज्ण शीज्ण है? है? आप आप करेंगे पीयूष इसमें क्या सर आपके आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो है फिक्स लेवल में तो है नहींटोमी क्वेश्चन आ रहे हैं फिर फिजियो के आएंगे वैसे नहीं आएंगे मिक्सअप क्वेश्चन आएगा तो आप सीबीटी दोगे तो फिर लाइक गया नॉर्मल एग्जाम में सीबीटी का तरह एंड बस पीयूष मैं दो चीजें आपसे और पूछना चाहूंगा एक कि आपने अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसकी आपकी क्या अप्रोच थी और सेकंड के लास्ट के 15 टू 20 डेज में आपने डीएफएक्स जो आपने डीएफएक्स या डीबीटी जिसका हम बात करते हैं डीबीटी डैम्स विजुअल ट्रीट है डीएफएक्स है डैम्स एफएमजी एक्सप्रेस तो आपने hmm. इसको कैसे अप्रोच किया और हाउ इट वाज हेल्पफुल इन इन हेल्पिंग यू गेट 165 मार्क्स एंड डू यू नो दैट इफ यू वांट टू अपीयर फॉर आईएनआईसीटी एग्जाम यू हैव टू हैव 55 परसेंट ऑफ द मार्क्स इन योर एफएमजी एग्जामिनेशन तो नाउ यू आर एलिजिबल

कहीं भी आप कहीं का भी आप एंट्रेंस एग्जाम इन फॉर्म ऑफ आई एन आई सी टी दे सकते हैं okay, अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपके लास्ट पंद्रह से बीस दिन आपने हमारा जो डीएफएक्स और डीवीटी होता है वो आपने क्या क्या अप्रोच फॉलो करी उसको रिवाइज करने में और हाउ एग्जाम कितने परसेंट आपको लगा कि क्वेश्चन सीधे सीधे उस डीएफएक्स और डीवीटी में से ही थे सर पहले तो मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे आ, नीट पी जी के और एफ एम जी के मैंने डैम्स के ऐप से सारे कर लिए सारे कर लिए या ये अभी मैं गलत हो या सही है मैंने सारे कर लिए उसके बाद लास्ट के जब 15 डेज 10 डेज 15 डेज बचे तो मैंने अपना डीएफएक्स का सारा वर्कबुक निकाला और रिवाइज कर दिया एक तरफ से रिवाइज किया और जब मैं एग्जाम में बैठा तो मैं देखा डीएफएक्स के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम डीएफएक्स के ही क्वेश्चन ही ही थे इवन जब मैं ऑप्टा देख रहा था ये तो डीएफएक्स के क्वेश्चन है इवन मैं जब माइक्रो खोला तो ये भी ठीक है डीएफएक्स है उसके बाद जब मैंने सेक्रेटरी सेक्रेटरी इज ऑल्सोड ऑफ्स गाइनी ऑफ्स गाइनिंग के सर क्वेश्चन नहीं मैडम हमेशा बोलती थी कि ऑफ्स गाइनिंग नैया पार कराती है और वो सही बात है सर ऑफ्स गाय नैया पार करो सेम क्वेश्चन मैडम ने बताया कि इसके ध्यान दे के जाना

उनको कुछ आप मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे बिकॉज नाउ यू आर ऑन द अदर साइड तो मैं चाहता हूँ मोटिवेशनल मैसेज कमिंग फ्रॉम यू विल बी अ बून फॉर देम मैं बस इतना कहूँगा सर जिसके जो पास नहीं हो पाए वो बस अपना आ, वर्क को कंटिन्यू रखे जैसे आपने मेहनत की है पिछले बार वो करते रहे और मैं बस यही बोलूंगा कि डैम्स ज्वाइन करें डैम्स के डीएफएक्स देखे वो गोल्ड है वेस्ट है और अब कंटिन्यू अपने मेहनत को ये ना लैप्स ना लैप्स होने दे, को. का ना बहुत end, आंटी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप थोड़ा कैमरा आंटी की तरफ थोड़ा कर दो आंटी का पूरा फुल फ्रेम है. हां जी आंटी जी आप बताइए कुछ बोलना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप बहुत खुशी आ रहा है बहुत अच्छी बात है आंटी और कुछ आगे और कुछ बोलना चाहते हैं आप हाँ, और यही प्रयास कर रहे हो मैं अपने बच्चे को कुछ पीजी करें बिल्कुल वो हाँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो जैसे एफ क्लियर हुआ है पीजी भी हम करवाएंगे आप चिंता मत कीजिए ठीक है सर ओके ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आंटी कभी दिल्ली आए आप दिल्ली आए हमसे जरूर मिलिएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके अंकल को भी साथ में लाइएगा अंकल से मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन जरूर जब पायेंगे तो फोन पे जरूर बात करवाइएगा पीयूष है न थे। थे। बेस्ट विशेष थैंक यू थैंक यू वेरी मच वी साइन विक्ट्री साइन मेकअप वी साइन आंटी वी बनाइए ये थैंक यू थैंक यू वेरी मच बेस्ट दी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बाय टेक केयर थैंक यू